हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2020 यानी कि 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, केवीआईसी हैज़ लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस नीरा एंड पाम गुड इन विच स्टेट। यानी कि अभी हाल ही में केवीआईसी, जिसकी फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नीरा और पाम गुड़ बनाने के लिए। तो ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है इसलिए प्रोड्यूस किया गया है जिससे कि वहाँ के जो आदिवासी है यानी कि महाराष्ट्र राज्य के, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वहाँ पर रोजगार की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएं। इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ लॉन्च किया गया है। नीरा एक टाइप का सॉफ्ट ड्रिंक है और पाम गुड़ एक टाइप का गुड़ है, और ये दोनों ही बनाने का जो प्रोजेक्ट है केवीआईसी के द्वारा महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। यानी कि मनरेगा एक योजना होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत 100 डेज का काम जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस योजना के तहत किस राज्य ने अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त करवाया है अपने राज्य में? तो इसमें किस राज्य ने टॉप किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। इसने अभी तक अराउंड 7 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू फिश स्पीसीज नेम्ड एज शिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। यानी कि अभी हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति को ढूंढा गया है, उसके बारे में खोज की गई है, जिसका नाम है शिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस। तो ये किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम खेलो इंडिया स्कीम विच मिनिस्ट्री इज़ गोइंग टू इस्टेब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। यानी कि फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है खेलो इंडिया स्कीम, खेलो इंडिया योजना, इसके अंतर्गत किस मंत्रालय ने या कौन सा मंत्रालय जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी कि खेल मंत्रालय। इसके तहत जितने भी हमारे देश में खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, उन सभी को बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी ग्राउंड लेवल तक, जिससे कि वो ओलंपिक में या और भी जो भी वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो भी कंपटीशन होंगे उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करे और मेडल्स वगैरह जीते इंडिया के लिए। तो उनको एक्सीलेंट कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए ये सेंटर्स जो हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इस्टेब्लिश किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। तो ये डिसीज़न लिया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी कि खेल मंत्रालय ने। यानी कि खेल मंत्रालय अभी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हर राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में स्थापित करने वाला है, और ये किया जाएगा खेलो इंडिया स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोसाइटी हैज़ वोन द प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनेको फाउंडेशन अवार्ड। यानी कि किस सोसाइटी ने अभी प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनेको फाउंडेशन अवार्ड जीता है?
तो ये जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। फार्मर्स के लिए, फार्मिंग के लिए इन्होंने काफ़ी उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं, काफ़ी हेल्प की है फार्मर्स की। उसी को देखते हुए इस सोसाइटी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी यूएन नेशंस यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD रिपोर्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन रिसिपियंट ऑफ FDI इन 2019। यानी कि अभी हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में जो FDI आया है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश, तो उसमें इंडिया को की क्या रैंक रही, यानी कि इंडिया ने कितना विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2019 में प्राप्त किया, तो उसमें इंडिया की रैंक रही 9th यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड कर्म भूमि ए जॉब पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल्स, यानी कि IT प्रोफेशनल्स के जो भी लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कर्म भूमि नाम का एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के थ्रू जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं जो वापस आए हैं राज्य में COVID-19 की वजह से और अभी उनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, वो सब खाली हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको जॉब्स दिलवाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। यानी कि राज्य में जितनी भी IT कंपनीज होंगी वहाँ पर इन सभी को जॉब्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, तो ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल में यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की CM की, तो उनका नाम है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रज पर्व हैज़ सेलिब्रेटेड, यानी कि किस राज्य में रज पर्व जो है वो मनाया गया है। तो ये एक 3 days का फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल में कोई भी खेत में चाहे जुताई हो, सिंचाई हो, कोई भी काम जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये पर्व जो है वो मनाया गया उड़ीसा में यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ई ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कि ई ऑफिस एप्लीकेशन जो है वो किसने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है CBIC ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, और इसके हेड हैं M अजीत कुमार, और उन्होंने ही जो है ये ई ऑफिस एप्लीकेशन जो है लॉन्च की है, जिससे कि टैक्सेस और कस्टम्स का जो भी काम है वो ऑनलाइन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर हैज़ पास्ड अवे, ही व्हाट वाज हिज नेम, यानी कि अभी हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है, तो उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था डीनो रणदीव यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की, तो ये हीरा सिंह एक फोक सिंगर थे और ये उत्तराखंड के थे और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। माधव राव पाटिल ये जनलक्ष्मी बैंक के फाउंडर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, साथ ही ये एक पॉलिटिशियन भी थे। और सुशांत सिंह राजपूत ये एक्टर थे और अभी इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप, यानी कि अभी किसने हाल ही में वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप जीती है। तो ये जीती है शक्रियार मैमेड्रोव ने और ये अजर बेजान के हैं और अभी हाल ही में इन्होंने ये चैम्पियनशिप जीती है। तो इसका ऑप्शन बनता है सही ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो भी मरुस्थलीकरण है और जो भी सूखा है उससे निपटने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उस सिचुएशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए ये दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करें इसकी 2020 की थीम की, तो इसकी थीम रही थी फूड फीड द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट की जो थीम रही थी 2020 की वो रही थी फूड फीड द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। तो ये थे 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।